नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का हम भारत के लोग इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिर्फ दो समाचारों पर। वह दो समाचारों पर हम इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि आज आप यदि मेन स्ट्रीम मीडिया को जैसे ही चालू करते हैं, जैसे ही आप अपना न्यूज़ चैनल चालू करते हैं, तो ऐसे ऐसे न्यूज़ एंकर वहाँ बैठे हुए हैं कि ऐसा लग रहा है कि देश में जो कोरोना की जो बीमारी है वो किसी धर्म विशेष के कारण भारत के अंदर में फैल गई है। बिल्कुल न्यूज़ एंकर जिस अंदाज में समाचार बताता है आपको, ऐसा लगता है कि वो टीवी फोड़ के बाहर आ जाएगा। जैसा शोर शराबा जिस प्रकार से चिल्ला रहा है, वो पता नहीं कौन सा एजेंडा इस देश के अंदर में चला रहा है, ये मेरे समझ से परे है। और मैंने आपसे कई बार कह चुका हूँ, इस मेन स्ट्रीम मीडिया को आप देखना बंद कर दीजिए क्योंकि यह आपके दिमाग में गोबर भर रहा है, भूसा भर रहा है। ये जो खबरें दिखा रहा है उस खबरों से वास्तव में आपका ताल्लुक नहीं है, आपका सरोकार नहीं है। लेकिन जो जिस तरीके से ये खबरें परोस रहा है, कहीं ना कहीं देश में एक हिंसात्मक गतिविधि, देश के अंदर में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहा है। कोई ना कोई हिडन एजेंडा ये चला रहा है। बाद में आधार के साथ कह रहा हूं, तथ्यात्मक ढंग से कह रहा हूं आपको। मैं छोटे छोटे कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। दोस्तों याद कीजिए, यदि आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, रोहित बेमूला का प्रकरण। क्या कभी मीडिया ने रोहित बेमूला की जो मृत्यु हुई थी, जो संस्थागत हत्या हुई थी, उस पर कभी भी आपको ऐसा लगा कि मीडिया ने रोहित बेमूला परिवार पर सिंपैथी दिखाते हुए खबर दिखाई? क्या खबर निष्पक्ष ढंग से बताया? क्या कोई रिपोर्ट उसके बारे में बताई कि आखिर उसकी हत्या क्यों हुई? मैं उसे हत्या मानता हूं। कभी आपने ऐसा देखा, ऐसी कोई खबरें देखी? मैं आपको बताता हूं आपने क्या देखा। आप उस न्यूज चैनल के माध्यम से आप ये देख रहे थे कि जो स्मृति ईरानी है या नरेंद्र मोदी सरकार है या बंगारू दत्तात्रेय जो नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, कहीं ना कहीं उनके पक्ष की खबरें दिखाई। कभी इन्होंने विद्यार्थी परिषद की जो गतिविधियां हैं, जो इस प्रकरण से गतिविधियां थी, उस पर उंगली उठाने का प्रयास किया, या जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उस पर उंगली उठाई? दोस्तों यदि आप भूल गए होंगे तो आपको मैं लेकर चलता हूं सहारनपुर में जो दंगे हुए थे। सहारनपुर में जब दंगे हुए थे तो लोगों ने जो नंगी तलवारें लहराई थी, आपने देखा होगा जानवरों को तक मारा था, आपने देखा होगा बुजुर्गों पर तलवारें चलाई थी, लठ चलाए थे, लोगों के घर जलाए थे, 60 से अधिक लोगों के घर जला दिए गए थे, कई लोगों को घायल कर दिया गया था और कई लोगों की जान चली गई थी। आपने देखा कि वो खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज बन के आई थी? दोस्तों नहीं बन के आई थी, ये जो जानकारी हमें मिल रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही थी। लेकिन अब खबर आती है मेन स्ट्रीम मीडिया में, कब खबर आती ब्रेकिंग बन के, जिसमें मीडिया का सरोकार है, जिसमें आपका सरोकार नहीं है। वो खबर कैसी बन के आती है दोस्तों? गांव में जो हिंसा हुई थी उसके विरोध में लोग सहारनपुर में चक्का जाम कर देते हैं, आंदोलन कर देते हैं। हिंसा हो जाती है तो हिंसा का जिम्मेदार किसे ठहराया जाता है? मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से। सोचिए मेन स्ट्रीम मीडिया आखिर बताना क्या चाहती है या खबर किसकी ओर से बता रही है, आप समझिएगा। दोस्तों मेन स्ट्रीम मीडिया यह खबर दिखाती है कि जो वहां हिंसा हुई उस हिंसा का तार नक्सलियों से जुड़ा हुआ है। ये खबरें ऐसी चली थी दोस्तों, इस प्रकार की खबरें बताई गई थी। लेकिन वहां प्रदर्शन क्यों हुआ था यह बताया गया था क्या? आपको यह नहीं बताया गया। आपको उस प्रदर्शन का एक दूसरा हिस्सा जो नेगेटिव है, नकारात्मक करके हमारे सामने दिखाया गया था। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगा कि जो सबीरपुर गांव में, जो सहारनपुर के पास में है, वहां जिन लोगों ने तलवारें लहराई थी, वहां जिन लोगों ने हिंसा फैलाई थी, वहां जिन लोगों ने आगजनी की थी, वहां जिन लोगों ने हत्या की थी, वहां जिन लोगों ने जातिवादी आतंकवाद का एक नंगा नाच खेला था, उसके बारे में, उसके मुख्य अभियुक्त के बारे में खबर आपको कभी दिखाया क्या इस मेन स्ट्रीम मीडिया ने? खबर कब दिखाता है दोस्तों? जब उसके खिलाफ में विरोध होता है। हिंसा करने वालों के खिलाफ में जब सहारनपुर में विरोध हुआ तो उसके बाद खबरें नक्सलवाद से जोड़कर दिखाई, और इसके जिम्मेदार ठहराएगा किसे? भीम आर्मी को। और भीम आर्मी के जो प्रमुख है चंद्रशेखर आजाद को उन्हें जेल में डाल दिया था। कहने का अभिप्राय यह दोस्तों, जो व्यक्ति हिंसा का विरोध कर रहा है, जो प्रदर्शन कर रहा है, जो आंदोलन कर रहा है,
उसके खिलाफ में आप कहानियां बता रहे हो, उसके खिलाफ में नक्सल से जुड़ी हुई पता नहीं क्या क्या कहानी बता रहे हो, लेकिन जो शुरुआती घटना है जिसके कारण इतनी बड़ी घटना सब्बीरपुर में घटी, उसकी कोई जानकारी आज तक भी आपको मिली कि उसमें कौन लोग मुख्य अभियुक्त थे या उनकी सजा हुई या नहीं हुई? दोस्तों, आपको आज तक यही पता चला है कि चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी, घटना क्या हुई सब्बीरपुर में, मारे गए लोगों का घर जला दिया गया। घर जलाना कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा सोचिए, किसी का बना बनाया घर, एक घर, आपका घर कोई जला दे, राख कर दे, तो कैसा महसूस होगा? तो वहां एक घर नहीं जले थे, वहां 60 घर जले थे, लेकिन जिन लोगों ने उन 60 घरों को जलाया था, ना सिर्फ जलाया था, वहां कुछ लोगों की हत्या कर दी थी, कुछ लोग आज भी अपाहिज बन गए हैं, क्या ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के पक्ष में, क्या ऐसे लोगों की आवाज बनके वो मीडिया सामने आया था? नहीं आया था दोस्तों। मीडिया ने नई कहानी गढ़ दी, वहां पे भीम आर्मी को खलनायक बनाने की कोशिश की, और जो लोग विरोध कर रहे थे, जो हिंसा का विरोध कर रहे थे, जो जातिवादी आतंकवाद का विरोध कर रहे थे दोस्तों, ऐसे लोगों के खिलाफ में मीडिया ने खबरें चलाई थी। ऐसे कई घटनाएं घटित हुई दोस्तों जिसमें मीडिया सिर्फ सरकार का पक्ष रखता है, सरकार का पक्ष तो रखता ही रखता है, साथ में एक ऐसी व्यवस्था जिसे मैं बार बार कहता हूं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जिस व्यवस्था में इस देश के बहुसंख्यकों के साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, शोषण होता है, उन खबरों को दबा दिया जाता है, और जो इस व्यवस्था के खिलाफ में आवाज उठाते हैं उन्हें खलनायक बना दिया जाता है, उन्हें नक्सली बना दिया जाता है, और उन्हें देशद्रोही बना दिया जाता है। ये मैंने आपको दो उदाहरण बताया, रोहित बेमुला और सहारनपुर हिंसा का। अब मैं आपको तीसरा उदाहरण बताना चाहता हूं दोस्तों, इसे गंभीरता से सुनिए, इसके लिंक आज की घटना से है। आज जो कोरोना की महामारी फैली हुई है ना, उस महामारी में जिस प्रकार से मीडिया खबरें दिखा रहा है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि मीडिया का चरित्र है क्या। जिस मीडिया को आप देख रहे हैं, वो मीडिया क्या आपके सरोकार की खबरें दिखा रही है? दोस्तों, ये आपकी गलतफहमी है। दोस्तों, मैं तीसरी घटना का जिक्र ये कर रहा हूं, कोरेगांव का नाम सुना होगा आपने, 2 साल पहले की बात है। वहां पे क्या होता है, वहां पे होता यह है कि सैकड़ों वर्षों से जो अंबेडकर अनुयायी हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, वे लोग वहां भीमा कोरेगांव में जाते हैं, लेकिन 2 साल पहले वहां लोगों ने प्रायोजित तरीके से वहां दंगे भड़का दिए, वहां लोगों की गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई, लोगों की हत्या तक कर दी गई, आतंक का नंगा नाच हुआ, जिसे मैं जातिवादी आतंकवाद कहता हूं, और जो उसमें जिन लोगों पर आरोप लगाए हिंसा भड़काने का, उनके नाम है मिलिंद एकनाथ बूटे और संभाजी भिड़े। जो अंबेडकर अनुयायी और बुद्धिस्टों पे जब हिंसा हो रही थी, मीडिया ने पट्टी भी नहीं चलाई कि वहां पे हिंसा हो रही है, मीडिया ने खबर की एक पट्टी भी नीचे नहीं चलाई कि वहां पे इस प्रकार से हिंसा हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज की बात छोड़ दीजिए, ब्रेकिंग न्यूज कब बनती है वो आपको मैं बताना चाहता हूं। यदि आपकी मेमोरी शार्प नहीं हो तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं दोस्तों, जब लोगों ने महाराष्ट्र बंद किया, भारत बंद किया, जब लोगों ने महाराष्ट्र बंद किया और भारत बंद किया और पूरे देश के अंदर में एक दबाव बना, तब मीडिया ने खबर बताई, और मीडिया ने खबर बताई तो किस प्रकार से बताई, जो संभाजी भिड़े जिस पर आरोप है, जो मिलिंद एकनाथ बूटे जिन पर आरोप है, जो कहीं ना कहीं ये लोग आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, फुल टाइमर हैं, उनको महिमा मंडित करने की कहानी बताई। संभाजी भिड़े जिसे आरोपी कहा जा रहा है, उस व्यक्ति को इस प्रकार से हीरो बनाकर उसे महिमा मंडित किया जा रहा था कि आप सोच भी नहीं सकते। वो प्रधानमंत्री उन्हें गुरुजी कहते हैं, उनकी 80 साल की उम्र है, वो नंगे पांव चलते हैं, इस प्रकार से कहानी बता रही, वो नंगे पांव चलते हैं चाहे प्रधानमंत्री उनके चाचा क्यों ना बोले, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो हिंसा में शामिल है, जो आतंकवाद फैलाने में शामिल है, ऐसे व्यक्ति के पक्ष में मीडिया जिस मर्यादित भाषा का उपयोग कर रहा था, क्या वो अभी की घटना में कर रहा है? जमाती जमाती जिस प्रकार से चिल्ला रहा है, मुल्ला मुल्ला जिस प्रकार से मीडिया रट रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस समय जो हजारों लोगों के साथ हिंसा हुई थी, लाखों लोग जिससे प्रभावित हुए थे, कई लोगों की जान गई थी, देश की संपत्ति का नुकसान हुआ था भीमा कोरेगांव में,
उस घटना से जुड़े हुए लोगों को मीडिया किस प्रकार से संबोधित कर रहा था, कि आपको उस समय की झलकें याद है? यदि नहीं याद है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये संभाजी भिड़े और मिलिंद एकनाथ बूटे महाराष्ट्र के अंदर में अपने कार्यक्रम बिल्कुल बेखौफ होके कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई उन पर। और जो लोग आंदोलन कर रहे थे दोस्तों, जो लोग इसके खिलाफ में मुखर थे, उन्हें पुलिस पकड़ लेती है, उनके खिलाफ में मीडिया रिपोर्ट चलाई जाती है, यहां तक कि बाबा साहब के परिवार से जुड़े हुए प्रकाश अंबेडकर के खिलाफ में मीडिया खबरें दिखाना चालू कर देता है, उनके खिलाफ में उलझुल बातें करना चालू कर देता है, पूरे बुद्धिस्टों के खिलाफ में बात करना चालू कर देता है। तो आप समझिए कि मीडिया का चरित्र है क्या। जब आप अगर कोई बात का अन्याय के खिलाफ में आवाज उठाओगे तो आपकी आवाज बंद करने के लिए आपको नक्सली कहेगा, अर्बन नक्सली कहेगा, या आपको कुछ भी आरोप लगा के आपको देशद्रोही घोषित करने के लिए तुल जाता है। तो दोस्तों, मैं आज की घटना से इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मीडिया ने कभी भी बहुजन समाज से तरोकार वाली खबरें नहीं दिखाई, लेकिन आप और हम उसे देख रहे हैं रात दिन। से जो निजामुद्दीन की घटना को प्रकाश में डाला जा रहा है और मीडिया एंकर जिस प्रकार से उसे परोस रहा है, तो दोस्तों मैं उनसे आज ये सवाल करना चाहता हूं, आपके स्क्रीन पे जो ये पेपर की कटिंग सामने आ रही है, ये जो घटना है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की है। क्वारंटाइन में जो लोग हैं उनके लिए जो खाना बनाया था जिस रसोईया ने, वो अनुसूचित जाति की है, इन लोगों ने उनके हाथ का खाना खाने से मना कर दिया। किन लोगों ने मना किया? जो लोग वर्ण व्यवस्था, जातिवाद व्यवस्था को मानते हैं, जो उसका समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों ने उस रसोईया के हाथ से खाना खाना इनकार कर दिया, मना कर दिया। और ये जब घटना वहां के प्रशासन को पता चली तो उन लोगों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया दूसरी जगह, और उन्हें कुछ फटकार भी पड़ी। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, यदि जिन लोगों ने उस रसोईया के हाथ से खाना खाने के लिए मना किया था, आप मुझे ये बताइए, यदि वहां जमाती होते, यदि वहां दो चार मुस्लिम होते, मुल्ले होते, तो मीडिया किस प्रकार से खबर दिखाता, वो आप मुझे बताएं। उस बात को आप कमेंट के माध्यम से मुझे लिखें कि यदि वहां पर इस खाना खाने से इनकार कर देते कौन लोग, जमाती, निजामुद्दीन से जुड़े हुए लोग, तो मीडिया क्या खबर दिखाता, मैं आज आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैं आज उस मेन स्ट्रीम मीडिया से यह पूछना चाह रहा हूं, तुम लोगों ने इस घटना को प्रकाश में क्यों नहीं लाया? यह घटना क्या निंदनीय नहीं है? यह घटना क्या शर्मनाक नहीं है? क्या इस घटना का तुम लोग समर्थन करते हो? क्या तुम लोग जातिवादी आतंकवादियों का समर्थन करते हो? क्या तुम लोग ब्राह्मणवादी हो? इस बात का जवाब आप देश के सामने दो। अगर यदि इसी घटना से मुस्लिम जुड़े होते तो क्या तमाशा करते, आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों। अब मैं दूसरी घटना पे आता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में जो ये सज्जन खड़े हुए हैं वो कोई गुंडा नहीं है, वो देश के सांसद हैं, वो हमारी संसद के एक सदस्य हैं। लेकिन इन्होंने जो हरकत की है, जो आरोप लगा है, इस खबर को मेनस्ट्रीम मीडिया ने क्यों नहीं उछाला, उस खबर को मेनस्ट्रीम मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया दोस्तों इन्होंने क्या किया, वहां के जो तहसीलदार है उनके घर में घुस के गुंडागर्दी की, उन्हें मारा पीटा अपने साथियों के साथ में। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि कहीं कोई डॉक्टरों के साथ में हिंसा कर रहा है, पत्थर कर रहा है, पत्थर मार रहा है, वो जितनी निंदाजनक और जितनी कानूनी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, क्या ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे लोगों की खबर को मेनस्ट्रीम मीडिया को देश के सामने नहीं लाना चाहिए? दोस्तों, आप खुद सोचिए कि आप किस प्रकार की मीडिया, किस प्रकार की न्यूज चैनल देख रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए और आप खुद निष्कर्ष निकालिए कि इन तहसीलदार जी के साथ में जो घटना घटित हुई, जो सांसद ने जो घटना घटित किया है, जो आरोप लगा है, क्या वो निंदाजनक नहीं है? देखिए, यहाँ तहसील सदर के जो परिसर में, यहाँ पर तहसीलदार साहब का आवास बना हुआ है पीछे, तहसीलदार साहब द्वारा मुझे फ़ोन पर सूचना दी गई थी कि यहाँ के जो क्षेत्रीय सांसद जी हैं, सांसद जी वो उनको फ़ोन पर धमका रहे हैं, किसी प्रकार की गाली गलौज कर रहे हैं, और
आरोप ये है कि उनके द्वारा कोई लिस्ट वगैरह दी गई थी, उस पर राशन वितरण नहीं किया गया, जो कि हम लोग रिलीफ वर्क वाला राशन दे रहे हैं, तो उनकी किसी लिस्ट पर जो है राशन नहीं दिया गया। मेरे पूर्व में बात हुई थी तो मैंने उनको बताया भी था कि हम उसको जो है बात करके वेरीफाई करा करके उसको सुनिश्चित करा देंगे। सर उसके बाद में थोड़ी देर बाद ये खबर मिली कि कुछ लोग उनके साथ में आकर के यहाँ पर मारपीट करते गए। तहसीलदार साहब ने मुझे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके बताया भी कि साहब तो भाई यहाँ पर मेरे साथ मारपीट हुई है। कौन लोग थे वो तहसीलदार साहब अगर उनको पहचानते होंगे तो उनके विरुद्ध नामजद रखा जाता है। सर मारपीट हुई थी उस समय सांसद जी मौजूद थे? अब ये तहसीलदार साहब बता सकते हैं बेहतर, क्योंकि मैं उस समय मौजूद नहीं था। क्या है तहसीलदार साहब थोड़ा सा बताएं हम लोग को, क्या घटना हुई थी? आप जैसा पता चला कि गाड़ी में लोग मौजूद, थोड़ा नीचे का गाड़ी जी, कौन कौन लोग थे थोड़ा सा स्पष्ट करें। तो मेरे मोबाइल नंबर पर माननीय सांसद जी का फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि हमने एक सूची भेजी थी परसों, तो उस पर राशन वितरण नहीं हुआ है। यही बताया कि वो सूची हमने नायब साहब को दी थी, नायब साहब चिन्हित करके सभी लोगों को राशन उपलब्ध करा रहे हैं। तो सांसद जी ने कहा किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया, तो मैंने कहा सांसद सुनो, नायब साहब सूची से वितरित किए हैं, अभी मैं 10 मिनट में आपको बता रहा हूँ कितने लाभार्थियों को उसमें से वितरित कर दिया गया है, जो बचेंगे उनको वितरित करा दिया जाएगा। तो इतना कहने के बाद सांसद जी जो है गाली देने लगे माँ बहन की। हमने कहा सांसद जी गाली न मत दीजिए, कहें आ रहा हूँ मैं, गाली देते हुए कहे कि अभी मैं आ रहा हूँ, कहाँ बैठे हो तहसील में आ रहा हूँ। मैंने ये डीएम साहब को, एडीएम साहब को, एसडीएम साहब को बताया कि माननीय सांसद जी उनको गाली दे रहे हैं और धमकी दिए हैं कि तहसील में आ रहा हूँ मारने। इसके बाद फिर जब बाद में पता चला कि वो आ रहे हैं, तो मैंने एसडीएम साहब से बात की कि साहब वो आ रहे हैं यहाँ पर, तो साहब ने कहा कि आप वहाँ से हट जाइए। तो मैं आवास पर चला आया, फिर आवास पर सब लोग गेट खोल कर अंदर घुस गए, लगभग 30-35 की संख्या में थे माननीय सांसद। तो मेरा दरवाज़ा पीटने लगे, बच्ची और पत्नी मेरी अंदर से रोने लगी, तो मैं डर गया कि कहीं अंदर न घुस गए लोग, मेरी पत्नी वगैरह साथ बदतमीजी करें मारें। तो मैं दरवाज़ा खोल कर बाहर आ गया, तो वही सांसद जी बैठे थे मेरी कुर्सी पर। बाहर मैं जब बैठता हूँ वहाँ सांसद जी, माननीय सांसद जी बैठे थे। मैंने तो सांसद जी ने कहा कि ये तुमने मेरी सूची में वितरण क्यों नहीं किया? मेरा सर वितरित करा रहा हूँ ना सर, सूची वितरित करा रहे हैं। तो उन्होंने जो है मैं मोबाइल हाथ में लिया था, मोबाइल छीन लिए और 20-25 लोग थे, और सांसद जी मुझे थप्पड़ से पीटने लगे, उनके साथ जो 20-25 लोग थे वो भी मुझे गिरा गिरा कर मारने लगे। क्या उस सांसद की निंदा नहीं होनी चाहिए? जो हमारे देश के एक अधिकारी के साथ इस प्रकार की हरकत कर रहा व्यक्ति, क्या उसकी निंदा नहीं होना चाहिए? क्या योगी सरकार पर उस सांसद को कार्रवाई नहीं करना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री जी को उस सांसद के खिलाफ में दो शब्द नहीं बोलना चाहिए?